हैं पब्लिक लाइव टीवी में पंकज कुमार पांडे कुशीनगर से। कुशीनगर पटहरवा थाना क्षेत्र के नारायणपुर कोठी में एक शराब व्यापारी की हत्या कर दी गई है। हत्या इतनी निर्मम कि लोगों में जन आक्रोश है। स्वर्ण अगल बगल दुकानदारों का कहना है कि स्वर्ण व्यापारी यहीं सोते थे, बाहर दुकान के बाहर चारपाई डाल के सोते थे। गाँव अगल बगल के लोग जब आए तो देखे शटर खुला हुआ है, शटर के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है। तो ग्रामीणों ने लोगों ने वहां का शटर उठाया और देखा कि खून से लथपथ लाश हुई है। ग्रामीणों ने अगल बगल वालों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर आई। पुलिस के एसपी धौल जायसवाल भी वहां आए। जिस शराब व्यापारी की हत्या की गई है वो टोला निवासी जयराम वर्मा हैं, जो नारायणपुर कोठी में शराब व्यापारी की दुकान चलाते थे। यहाँ लोकल लोगों का कहना है कि पटहरवा थाना अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और पुलिस तरह तरह के अवैध वसूली के कार्यों में व्यस्त है। पुलिस रात को यहाँ गश्त नहीं करती है, जबकि एसपी धौल जायसवाल ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया है और खुद घटनास्थल की जाँच में जुटे हुए हैं। आगे की खबर देखने के लिए बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी कुशीनगर से। कि जो गला रीत कर जो हत्या कर दी गई है, क्या जानकारी और क्या कार्रवाई की जा रही है? ये थाना पटेरवा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यापारी है जो अपनी दुकान में ही रहा करते थे। जयराम वर्मा उनका नाम है, इनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। उनका आज सवेरे वहाँ पर शव मिला है और शव की जो प्रारंभिक स्थिति थी उसमें ये आया है तथ्य कि गले पर उनके वार हुआ है किसी नुकीली चीज़ से। शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच पड़ताल में उनके जो घर वाले हैं उन्होंने अपने ही एक संबंधी जो उनका रिश्ते में चाचा लगता है उस पर आरोप लगाया है और पुलिस हर तथ्यों की विधिवत जाँच कर रही है और शीघ्र ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। क्या किसी की गिरफ्तारी भी इसमें हुई है? अभी फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई, पुलिस टीमें लगातार सक्रिय हैं, विभिन्न पहलुओं की जांच।